नागरिक केंद्रित माहिती माटे तकनीक पहल पण शुरू करी, जेमा डिजिटल सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट्स, डिजिटल कोर्टर्स 2.0 ने सुप्रीम कोर्ट ने नवी वेबसाइट नो पण समावेश थाय छे। सभा ने संबोधता वडाप्रधाने दरेक ने अभिनंदन पाठव्या हता। उपरांत जारे भारतनी सर्वोच्च अदालत जारे आजे तेना 75मा वर्षनी शुरुआत करी रही छे, त्यारे हाजर रहेला बदल आभार व्यक्त कर्यो हतो। ने त्यारे बे दिवस पहला भारतना बंधारणे 75 वर्षना प्रवेश कर्यो हतो, ने त्यारे आनो पण उल्लेख तेमणे कर्यो हतो। वडाप्रधाने कह्युं के भारतीय बंधारणना निर्माताओए स्वतंत्रता, सन्मानता तेमज समानता अने न्याय पर पण आधारित मुक्त भारतनुं स्वप्न जोयुं हतुं। सुप्रीम कोर्टे आ सिद्धांतोने जाळवी राखवानो सतत प्रयास कर्यो छे। वडाप्रधाने कह्युं हतुं के अभिव्यक्तिना स्वतंत्रता होय त्यारे व्यक्तिगत स्वतंत्रता होय के सामाजिक न्याय होय, सर्वोच्च अदालते भारतनी जीवंत लोकशाहीने मजबूत बनावी छे। वडाप्रधाने व्यक्तिगत अधिकारों तेमज वाणी स्वतंत्रता परना जे सीमा चिन्हित रूप चुकादाओ छे तेनी पण नोंध लेवी, जेणे देशना सामाजिक राजकीय वातावरण ने नवी दिशा आपी छे तेवुं कह्युं। पीएम मोदी आगामी 25 वर्ष माटे पण लक्ष्यांकोना मापदंडों ने पुनरावर्तित कर्या अने कह्युं के आजनी आर्थिक नीतिओ आवतीकालना वायब्रंट भारतनो आधार बनशे। तेरे वडाप्रधान मोदीए कह्युं के आजे जे कायदा घड़वामां आवी रह्या छे ते भारतना उज्ज्वल भविष्यने मजबूत बनावशे। वैश्विक भौगोलिक राजनीतिना बदलता लैंडस्केप छे ते वच्चे वडाप्रधाने रेखांकित कर्युं छे के विश्वनी नजर भारत पर छे अने तेनो खास विश्वास पण सतत वधी रह्यो छे अने तेमणे आपणा मार्गे आवनारी तमाम तकोनो लाभ उठावानी जरूरियात पर भाग मूक्यो अने त्यारे आभार दर्शावता तेमणे देशनी टोचनी प्राथमिकताओ तरीके जीवन जीववानी सरळता, व्यवसाय करवानी सरळता, मुसाफरी, संचार अने न्यायनी सरळतानो उल्लेख कर्यो। न्यायनी सरळता ए दरेक भारतीय नागरिकनो अधिकार छे अने भारतनी सर्वोच्च अदालत तेना माटे एक माध्यम छे तेवुं वडाप्रधान नरेन्द्र मोदीए कह्युं। तौर पर सुप्रीम कोर्ट के अगले 25 वर्षों की भी बड़ी सकारात्मक भूमिका है। एक बार फिर आप सबने यहां मुझे निमंत्रित किया। आप सबके ध्यान में शायद एक बात आई होगी, लेकिन ये फोरम ऐसा है कि मुझे लगता है कि उसका जिक्र करना मुझे अच्छा लगेगा। इस बार जो पद्मा अवार्ड जो दिए गए हैं उसमें सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज और समग्र एशिया की पहली मुस्लिम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जज उनको इस बार फातिमा जी को हमने पद्म भूषण सम्मान दिया है और मेरे लिए ये बहुत गर्व की बात है। एक बार फिर मैं सुप्रीम कोर्ट को उसके 75 कॉलोनियल क्रिमिनल लॉज को खत्म करके सरकार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की व्यवस्था शुरू की है। इन बदलावों के कारण हमारे लीगल पॉलिसिंग और इन्वेस्टिगेटिव सिस्टम ने नए दौर में प्रवेश किया है। एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। सैकड़ों वर्ष पुराने कानूनों से नए कानूनों तक पहुंचने का परिवर्तन सहज हो, यह बहुत जरूरी है। इसके लिए पहले ही सरकारी कर्मचारियों की ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग का काम भी शुरू कर दिया गया है। मैं सुप्रीम कोर्ट से आग्रह करूंगा कि वो भी सभी स्टेक होल्डर्स की ऐसी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए भी आगे आए। साथियों, एक सशक्त न्याय व्यवस्था
विकसित भारत का प्रमुख आधार है। सरकार भी लगातार एक विश्वस्त व्यवस्था बनाने के लिए अनेक निर्णय कर रही है। जन विश्वास बिल इसी दिशा में उठाया गया कदम है।